देखो ये थोड़ा सा अलग सा वीडियो होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं उन 10 कारों के बारे में डिटेल में बात करूंगा जिनको इसी साल इंडिया में लॉन्च किया गया। हालांकि ये जानने की कोशिश करेंगे कि इनमें से कितनी कारें सक्सेसफुल रही और कितनी कारें फ्लॉप हो चुकी है। जो सबसे पहली कार आती है जिसको इसी साल इंडिया में लॉन्च किया गया यानी फेब 2021 में इस कार को लॉन्च किया गया वो है जीप की कंपास। हालांकि 2021 का जो कंपास का मॉडल है इसके अंदर काफी अपडेट्स करे गए एक्सटीरियर में और इंटीरियर में बहुत सारे नए फीचर्स को अपग्रेड भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी इसके जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं। इसके पीछे रीजन है कंपटीशन यानी बाकी सेगमेंट वाली कारें, लेकिन कंपास का जो हाईएस्ट सेल रिकॉर्ड है वो है 1324 यूनिट्स का और इतने सेल्स हुए थे अक्टूबर 2021 में। हालांकि नवंबर 2021 में जीप कंपास के टोटल 1052 यूनिट से बेचे गए। इसके जो एवरेज सेल है वो लगभग 800 से लेकर 1100 यूनिट के आसपास है, इसी बीच में इसके यूनिट्स बेचे जाते हैं। तो इतना भी बढ़िया रिस्पॉन्स नहीं मिला है जीप कंपास का जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। जिस तरह से इसके अंदर अपडेट्स करे गए हैं उसके हिसाब से इसका जो सेल्स रिपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा कम है, लेकिन ये कार काफ़ी कमाल की है। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने कुछ वीडियोस बनाए हैं, उसकी प्लेलिस्ट की लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा। वही जो सेकंड नंबर की कार आती है जिसको इसी साल इंडिया में लॉन्च किया गया वो है टाटा की सफारी। हालांकि टाटा सफारी हैरियर का 7 सीटर मॉडल है, इसको 6 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन के साथ इंडियन मार्केट में उतारा गया। सफारी को 22 फरवरी को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया, लेकिन इसने स्टार्टिंग में बहुत ही ज़्यादा तबाही मचा रखी थी। बहुत ही बढ़िया रिस्पांस के साथ इसने एंट्री करी थी इंडियन मार्केट में, लेकिन नवंबर 2021 में इसके सिर्फ 1424 ही यूनिट बेचे गए। आज के डेट में XUV700 अवेलेबल है, इसके अलावा बाकी की कारें अवेलेबल है, उसकी वजह से सफारी के सेल्स में थोड़ी सी गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि इसका एक्सटीरियर लुक काफ़ी कमाल का है और इसके इंटीरियर में आपको इनफ स्पेसिंग मिल जाएगी, 7 लोग आराम से बैठ सकते हैं सफारी के अंदर। टाटा सफारी के ऊपर लगभग 3 महीने तक आपको वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। हालांकि कुछ डीलरशिप पर अगर ये अवेलेबल हो जाती है तो आपको ये जल्दी से मिल जाएगी, लेकिन एवरेजली 3 मंथ का वेटिंग पीरियड टाटा सफारी के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। वही जो थर्ड नंबर की कार आती है जिसको इसी साल इंडिया में लॉन्च किया गया वो है हुंडई की अल्काज़र। इसको जून 18 को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया। ये क्रेटा का 6 सीटर और 7 सीटर वाला मॉडल है। इसके अंदर कुछ चेंजेस करे गए हैं एक्सटीरियर में और इंटीरियर में। हालांकि इसका इंटीरियर क्रेटा से इंस्पायर्ड है, मतलब क्रेटा वाला ही इंटीरियर इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। एडिशनली थर्ड रो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन इसके थर्ड रो के ऊपर सिर्फ 2 बच्चे आराम से बैठ सकते हैं, ना कि 3 एडल्ट्स। और कुछ लोगों को इसका एक्स्ट्रा लुक भी इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। आपको इसका एक्स्ट्रा लुक कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। इसके ऊपर लगभग 1 से 2 महीने का वेटिंग पीरियड आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन क्रेटा के ऊपर आपको थोड़ा सा ज़्यादा वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा। वही जो फोर्थ नंबर की कार आती है वो है स्कोडा की कुशक और वोक्सवैगन की टाइगुन। हालांकि दोनों ही कारों को मैंने एक पोजीशन पर इसीलिए रखा क्योंकि दोनों ही कारों को एक ही प्लेटफॉर्म पर बिल्ड किया गया है। स्कोडा कुशक को जून 23 को लॉन्च किया गया, इसके अलावा टाइगुन को सितंबर 23 को लॉन्च किया गया। दोनों ही कारें मिड साइज सेगमेंट वाली एसयूवी कार है और दोनों ही कारों का जो सेल्स रिपोर्ट है वो अच्छा खासा है, लेकिन यहाँ पर टाइगुन को अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है इंडियन मार्केट में। नवंबर 2021 की अगर मैं बात करूँ तो टाइगुन के टोटल 2849 यूनिट्स बेचे गए थे, लेकिन कुशक के सिर्फ 1876 यूनिट बेचे गए थे नवंबर 2021 में यानी लास्ट मंथ में। तो यहाँ पर टाइगुन के 1000 यूनिट थोड़े से ज़्यादा बेचे गए एज कम्पेयर टू कुशक। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को टाइगुन बहुत ज़्यादा पसंद आ चुकी है। वही जो 5th नंबर की कार आती है जिसको इसी साल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया वो है टिगोर का ईवी मॉडल। टिगोर ईवी एक सिंगल चार्ज में लगभग 306 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है, लेकिन टाटा नेक्सॉन ईवी एक सिंगल चार्ज में 312 किलोमीटर तक की रेंज दे देती है। अगर आप टिगोर ईवी को फास्ट चार्जर से चार्ज करते हो तो 0 से 80% इसकी बैटरी सिर्फ 60 मिनट में चार्ज हो जाएगी, यानी ये चार्जर सिर्फ 1 घंटा लेगा 80% बैटरी को चार्ज करने के लिए। वही जो 6th नंबर की कार आती है जिसको इसी साल इंडिया में लॉन्च किया गया जिसको ठीक ठाक रिस्पांस मिल रहा है वो है हुंडई i20 का N-Line वेरिएंट। हालांकि कहने में ये थोड़ा सा फास्टर वेरिएंट है, जिन लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर चाहिए i20 के अंदर वो इस वेरिएंट को ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको अच्छी खासी पावर आउटपुट नहीं मिलेगी जितनी एक्सपेक्ट करी थी लोगों ने, लेकिन ठीक ठाक पावर आउटपुट आपको मिलने वाली है N-Line इस वेरिएंट के अंदर। वही जो 7th नंबर की कार आती है जिसको इसी साल इंडिया में लॉन्च किया गया यानी सितंबर 27 को इस कार को लॉन्च किया गया वो है फोर्स की गुर्खा।
यह एक ऑफ रोडर कार है, इसको ऑटो एक्सपो में शोकेस किया जा चुका है। इसके अंदर काफी अपडेट्स करे गए हैं इंटीरियर में, एक्सटीरियर में, और अच्छे खासे फीचर्स आपको नए गुर्खा के अंदर देखने को मिल जाएंगे। हालांकि इसका सेल्स रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आया है, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, लेकिन ये कार दिखने में अच्छी खासी है। इसको भी इंडिया में बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है और ये इंडिया में कम्पीट करेगी थार के साथ। इसके अलावा अपकमिंग जिम्नी के साथ भी इसका मुकाबला रहने वाला है। वही जो 8th नंबर की कार आती है, जिसको इसी साल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया, जिसने तो बहुत ही ज्यादा तबाही मचा रखी है, वो है महिंद्रा की 125 7000। हालांकि इसको 30 सितंबर को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया, तब से इस कार ने लगभग 75,000 से भी ज्यादा बुकिंग्स हासिल करे हैं। तो यहाँ पर लगभग 75,000 से भी ज्यादा बुकिंग्स हासिल हुए हैं एक्सयूवी 7000 को। ये एक 5-सीटर और 7-सीटर कॉन्फ़िगरेशन वाली एसयूवी कार है। इसके अंदर आपको काफी कमाल के फीचर्स और एडवांस सेफ्टी फीचर्स देखने को मिल जाएंगे। इसके टॉप मॉडल AX7L के अंदर क्या क्या फीचर्स दिए जाते हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी एक डिटेल रिव्यू वीडियो मैंने करा है, उसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। अगर मैं सेल्स की बात करूं तो नवंबर 2021 में XUV700 के टोटल 3207 यूनिट्स बेचे गए। इसके अलावा अक्टूबर 2021 में इसके 3407 यूनिट्स बेचे गए। हालांकि सेमीकंडक्टर के शॉर्टेज की वजह से इसके सेल्स थोड़े से कम हुए हैं। इसके अलावा कुछ कारें ऐसी भी है जिनके सेल्स कम हुए हैं सेमीकंडक्टर की वजह से, क्योंकि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज की वजह से बहुत सारा जो प्रोडक्शन है वो रुका हुआ है, तो वो प्रॉब्लम भी आने वाले समय में सॉल्व हो जाएगा। वही अगर मैं वेटिंग पीरियड की बात करूँ तो XUV700 के ऊपर आपको लगभग 1 साल से लेकर 1.5 साल तक वेटिंग पीरियड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि इसकी डिमांड भी बहुत ज्यादा है। इसके अलावा इसको बुकिंग्स भी बहुत सारे मिले हैं और यहाँ पर अगर आपको लेना है इसको तो आपको बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा। वही जो 9th नंबर की कार आती है, जिसको इसी साल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया, वो है न्यू जनरेशन सेलेरियो। हालांकि पिछले कुछ हफ्ते पहले इसको लॉन्च किया गया है, बहुत सारे अपडेट के साथ नई सेलेरियो इंडियन मार्केट में लॉन्च हो चुकी है। इंटीरियर में और एक्सटीरियर में बहुत सारे अपडेट्स करे गए हैं। अगर आपका बजट कम है तो आप डेफिनेटली नई सेलेरियो को कंसीडर कर सकते हैं। वही जो लास्ट कार आती है 10th नंबर की, जिसको इसी साल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया, वो है MG की एस्टर। एस्टर को 11 अक्टूबर को इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया। ये एक मिड साइज एसयूवी कार है, जिसका मुकाबला क्रेटा के साथ है, सेल्टॉस के साथ है, टाइगुन कुशक, इन कारों के साथ ये कम्पीट करती है। और आते ही इस कार ने तबाही सी मचा रखी है। सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से इसके ऊपर बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा है, इसके सेल्स बहुत ज्यादा नीचे आ चुके हैं। अक्टूबर मंथ में ही इसको लॉन्च किया गया था, तब इसके 500 यूनिट्स बेचे गए थे, लेकिन नवंबर 2021 में एस्टर के टोटल 1018 यूनिट्स बेचे गए। हालांकि इसको बुकिंग्स अच्छे खासे मिले हैं, लेकिन सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की वजह से इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो थोड़ी सी मतलब स्लो चल रही है। आने वाले समय में इसके सेल्स रिपोर्ट थोड़े से इंप्रूव हो सकते हैं, लेकिन नवंबर 2021 में MG मोटर्स के टोटल 40% जो सेल्स है वो कम हुए हैं एज कम्पेयर टू प्रीवियस मंथ, यानी सेल्स रिपोर्ट में बहुत ही बड़ी गिरावट आ चुकी है MG मोटर्स की। तो यहाँ पर ये 10 कारें थी जिनको इसी साल इंडियन मार्केट में लॉन्च किया गया। इनमें से आपको कौन सी कार सबसे ज्यादा अच्छी लगती है मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। कुछ कारें थी जिनको बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स मिल रहा है और कुछ कारें ऐसी भी है जो कि ऑलमोस्ट फ्लॉप हो चुकी है, जैसे कि जीप कंपास, इसके अलावा बाकी की कारें। ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।